आदाब, आप ANS न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। मैं हूं इमरान। नाज़रीन, दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में अहमदनगर के अलमारूफ कॉलोनी इलाके में एक नामालूम शख्स को दरख्त से लटका हुआ पाया गया। सिकंदर सोहरा में कल दो रोजा सलाद साजी और वर्कशॉप शुरू हुआ, जिसका इनेकाद नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर PGIMER चंडीगढ़ और UNFPA ने मुश्तरका तौर पर किया। नौशहरा सब डिवीजन के सरदई गांव मकड़ी में महकमा सेहत की जानिब से मंजूर शुदा तिब्बी मरकज गुज़श्ता कई बरसों से मुकम्मल ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सरहदी देहात की लगभग 3,000 से ज्यादा आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ियों को दर्ज फरस्त कबाइल का दर्जा देने के अमल को शुरू करने पर हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा करने के लिए पहाड़ी कबाइल की जानिब से शुरू करदा दिनावाद यात्रा जिला पुलिस के सनकोट सब डिवीजन हेडक्वार्टर तक पहुंच गई। रेलवे स्टेशन बानिहाल मुबीना तौर पर इंतजामी बद निजामी का शिकार है और यहां रेलवे पार्किंग फीस से लेकर मुसाफिरों के किराए तक मनमर्जी चल रही है और कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस रेलवे हुकाम और मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट के लोग चप्पी साधा हुए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने वादा किया है कि साबिक वजीर आला और पार्टी के सदर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी सदर के ओहदे से इस्तीफा नहीं बल्कि आइंदा पार्टी सदराती इंतखाबात में हिस्सा न लेने की इतला दी है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जुम्मा को महकमा स्कूल एजुकेशन की टाइपिंग फैकल्टी के जरिए प्राइवेट ट्यूशन समेत किसी भी सरगर्मी या असाइनमेंट पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुम्मा को कहा है कि दहशतगर्दी की माली अनायत दहशतगर्दी से ज्यादा खतरनाक है, जिसका खतरा किसी मजहब कौमियत या गरबा से नहीं जुड़ा जा सकता और न ही होना चाहिए। पुलिस का कहना है कि उन्होंने शुमाली कश्मीर के जानगांव पटन इलाके में दो दहशत फरोशों को गिरफ्तार करके 300 किलो की जैसे मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जमान ने अपने एक बयान में कहा कि पुलिस ने जंगाम पटन इलाके में मामूल के नाके के दौरान एक अल्टो गाड़ी जैर नंबर JK05E6826 व बारामूला से श्रीनगर की तरफ जा रही थी को रोकने का इशारा किया। जम्मू कश्मीर के मुमताज समाजी कारकुन और नौजवान गुनाकार वकार खान ने आज अपने खानों समेत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुम्मा को दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया और बैन अलाकवामी बरादरी से मुतालबा किया कि वो चोरी का रवैया छोड़कर इसके खिलाफ सफीर बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाए ताकि इसे जड़ से उखाड़ा फेंका जा सके। महकमा मौसमियात में मैदानी इलाकों में हल्की सी दरमियाना दर्जे की बारिश और हफ्ते के आखिर में बालाई मकामात पर बर्फबारी की पेशगोई की है। सलामती कौंसिल में असलाहत से मुतालिक अक्वामी मुत्तहदा के जनरल असेंबली के इजलास के दौरान पाकिस्तान की जानिब से जम्मू और कश्मीर का मसला उठाने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद को झूठी कोशिशों और कसीर अलजहाती फोरमज के तकदीस को गलत इस्तेमाल करने की बुरी आदत बैनुल अक्वामी सतह पर काबिल मजम्मत है। हुकूमत ने LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की सहूलियत को देखते हुए सिलेंडर में QR कोड लगाने का फैसला किया है। नाजरीन, ये थी चंद अहम खबरें। इंशाल्लाह कल इसी वक्त पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।